वो अंग्रेज़ी की कहावत है ना, कनेक्ट द डॉट्स, वही कुछ करने की कोशिश करेगा झोला इस वीडियो में। शाम का समय हो रहा है, अगर आप मेरा हुलिया देखो तो जस्ट अभी ऑफिस से निकल रहा है झोला, और शाम का समय कुछ खाने पीने की भूख है, वो चरम पर है झोले को शाम का टाइम है। और मैं क्या कह रहा था, कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि कई बार आप मेरे लाइव स्ट्रीम वगैरह में जहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ते हो वहाँ पर कई बार सवाल पूछते हो, झोले भाई डिनर में क्या, झोले भाई लंच में क्या, झोले भाई ब्रेकफास्ट में क्या। तो इन्हीं सवालों का जवाब घर जा के रस्ते में झोला कुछ उठाएगा खाने पीने के लिए। मैं ऐसे गोल गोल घूमते रहता हूँ पार्किंग से, फिर निकलता हूँ बाहर। मैं कहता कि इसी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा झोला इस वीडियो में, रस्ते से कुछ उठाएगा खाने पीने को और फिर वही दिखाना आपको। और कुछ ऐसी चीज़, मैंने कई सारे वेंडिंग मशीन्स के वीडियो बनाए हैं, बट पहली बार झोला आपको सिंगापुर में भी एक अनोखी चीज़ है, वहाँ जाकर और थोड़ा ज्ञान दूंगा, बट रस्ते में उसे उठाएंगे। और झोले के और बकचोदी भरे वीडियो में आपका जरूर स्वागत करता। और आज तो टी शर्ट भी देख रहे हैं आप, झोले ने अपने चित परिचित अंदाज को बयां करता हुआ टी शर्ट भी पहना हुआ है जो कि आवारा। अब बैक पे भी शायद तक मतलब मेरे बैक पे पीछे बैक टैग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, उसमें भी आवारा होगा बैक टैग। तो चलिए थोड़ा बहुत पार्किंग के इधर उधर चक्कर घुमा दी मैंने, आगे चलते हैं। रास्ते में थोड़ा बहुत दिखाता रहूँगा, शाम का टाइम है, उजाला है अभी, काफ़ी धूप इतनी नहीं ढला है दिन, तो रास्ते में थोड़ा बहुत आपको नज़ारा दिखाता हूँ। और ये वीडियो स्वागत कर दिया मैंने शायद आपको, रास्ते से उठाएंगे कुछ खाने पीने का जुगाड़ करता है झोला इस वीडियो में। मेरे रास्ते के घर में, रास्ते के मेरे घर के रास्ते अंग्रेज़ी और हिंदी में कभी कभार असमंजस में फंस जाता है झोला। मैं कह रहा था कि मेरे घर के रास्ते में जो ATM कह लो या वेंडिंग मशीन कह लो, इस जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका रास्ता काफ़ी ज़्यादा सीनिक नहीं था, मैं आपको ऐसा दिखाता हुआ चलता हूँ। तो फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया है थोड़ा आपको नज़ारे दिखाने के लिए। एक काम करते हैं, रेड लाइट है बट जा सकते हैं। चलिए सीधा वेंडिंग मशीन पे पहुंचता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को आगे दिखाते हैं, आपको दर्शन कराते हैं ऐसी चीज़ की। कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सैलमन ट्राई कर रखा है, वेंडिंग मशीन हो या अदरवाइज हो, कितने लोगों में से आप लोगों ने सैलमन ट्राई कर रखा है। लीजिए, जैसे जैसे आप साइकिल से उतरते हैं आपको मास्क पहनना पड़ सकता है, जब तक आप साइकिल चला रहे हैं तब तक आप मास्क उतार सकते हैं, और जैसे ही आप पैदल चलना शुरू करते हैं आपको मास्क पहनना पड़ जाता है। तो जैसा मैंने बोला, स्वागत तो कर चुका हूँ मैं आपका, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने लाया हूँ, देखिए नॉर्वेजियन सैल्मन वेंडिंग मशीन। मैं एक बार चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रीमियम, अगर आपको नहीं पता है सैल्मन क्या होती है तो सामने इन्होंने एक पीस भी रखा हुआ है, आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ है। फैंसी सब देख रहे हैं, मतलब ऊपर ही समझाने के लिए ऊपर ही रख दी कि ऐसी एक सैलमन चीज़ क्या कहते हैं। सैलमन सर्च कर लीजिएगा, मछली की एक प्रजाति है, एक फिलहाल सिंगापुर में दो जगह से, एक नॉर्वे, जैसे कि ये वेंडिंग मशीन जो है आपकी नॉर्वे की सैलमन आपका डिस्पेंस करती है, और दूसरी एक है जो कि आपकी न्यूजीलैंड की यूजली सैलमन आती हैं। चार तरह के ऑप्शन है, हाँ चार तरह के ऑप्शन। पहले मैं दिखा देता हूँ, एक आपका प्रीमियम सैलमन फिले, इसकी कीमत $4। दूसरे जो हैं आपके स्मोक सैलमन स्लाइसेस हैं, क्वांटिटी 100 ग्राम ये भी है, ये थोड़ी ज़्यादा है 150 ग्राम, इसकी कीमत जो है $6। और आपके तीसरा जो है ये दूसरी चीज़ है, ये मैकरल है आपके इस जिसको साबा यहाँ कहते हैं, और ये आपकी स्मोक्ड तिरिया की साबा है, और एक सशमी स्लाइसेस, सशमी तो आपको पता ही, झोले का प्यार, $6 की हैं ये 100 ग्राम। चार नंबर फंडा देखें, और देखिए क्या करना है आपको, चूज़ करना है बेसिकली 1 2 3 4 लिखा हुआ है, चार में से जो भी आपको चूज़ करना है यहाँ पे नंबर डालिए, उसके बाद आप पेमेंट यहाँ से करेंगे, और जैसे नॉर्मल एक आपका एक ऐसी भी वेंडिंग मशीन में आप जिस तरह से भी पेमेंट करते हैं। मैं देखिए झोले को भूख तो लग रही है, तो एक काम करेंगे सैलमन की सशमी स्लाइसेस उठाते हैं, आपको दिखाएगा वीडियो मैं घर पर चल के झोला कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए चार, देखिए
चार प्रेस करते हुए 5.9, जैसे कि मैंने दिखाया आपको 5.9, ये आ गया, एंटर किया। उसके बाद कार से पेमेंट करेंगे। ऑथराइजिंग अप्रूव्ड। देखिए मशीन प्रोसेसिंग, डिस्पेंसिंग प्लीज वेट। और ये पहुंचा यहाँ पर, ये देखिए ये आ गई आपकी सैलमन की स्लाइसेस। ये काम करते हैं, ये भी सही चीज़ लग रही है मेरे को, क्या कहते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, 3 नंबर। एक फिर से काम करते हैं, फिर से यहाँ पे रिप्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। और चलिए सैलमन स्लाइसेस उठाई मैंने, और आपका दूसरा मैं एक स्मोक्ड टेरियाकी उठाता हूँ इसको फिर से। ये देखिए सैलमन टेरियाकी सॉस में दो चीज़ें, बगल में आपका संतरे के जूस का डिस्पेंसिंग मशीन तो है ही है। चलिए ये बैग में रखता हूँ और फिर रास्ते में आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। शाम का टाइम हो गया इस इलाके में, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइट वाइट ऑन हो चुकी है, थोड़ा रेसिडेंशियल सा इलाका है ये, तो इसके बैग में रखते हैं और फिर रास्ते में आपको गप्पे मारते हुए चलते हैं और घर पहुँचना है। कुक करेगा छोड़ा इस चीज़ को, अपेक्षा से जल्दी अंधेरा हो गया। उम्मीद नहीं थी कि झोले को, कि मतलब कि भागम भाग तो मचा के लाया है झोला। मुझे पता नहीं आपको, मुझे ये शक्ल दिखाई पड़ रही है, लेकिन घर पहुंच गया हूं लगभग। मैं कैंपस सो कॉल्ड इलाके के मैं एंटर कर चुका हूं। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे विराम देता हूं। सैलमन का एग्जैक्टली करेगा क्या झोला, या फिर आपका मैकरेल का करेगा क्या, उसके लिए बने रहिएगा झोले के साथ। अगले वीडियो में दिखाता है आपको झोला कि एग्जैक्टली क्या कुक करता है, क्या क्या पकाता है झोला, जो दो चीज़ें लेकर आया है या फिर एक चीज़ से ही जो चीज़ है। तो बस उसके लिए बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली बार आपको एक नए सफरनामे पे। तब तक खाइए वाला और घूमिए वाला।